Get low when the whistle go. Assalamualaikum guys, this is Uman from CC Laptop. तो guys, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो guys, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस चैनल पे जो वीडियोज़ डालता हूँ वो यूज़ लैपटॉप के हवाले से होते हैं। अगर तो आप लैपटॉप पे इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और अगर आप कोई लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो उस के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, मैं यूज़ लैपटॉप पे इस वजह से वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान 80% आवाम यूज़ लैपटॉप ख़रीदती है, और ये यूज़ लैपटॉप में जो जो फीचर्स होंगे, जो जो इसकी रिव्यूज़ होंगे, और लास्ट पे मार्केट वैल्यू यूज़ लैपटॉप के हवाले से मैं बताऊँगा। इंशाल्लाह फी सेंटर या हॉल रोड कहीं भी जाएंगे आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. काफ़ी स्लिम लैपटॉप है, 13.3 इंच स्क्रीन साइज है जी। इसमें 4GB रैम इंस्टॉल्ड है और उसके साथ 128 SSD इसमें इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसके मॉडल की बात करें, ये लैटिट्यूड E7250 मॉडल है जो कि इंटेल के i5 फिफ्थ जनरेशन वाले प्रोसेसर में आता है। तो गाइज, इसमें एक बात यह भी है कि अगर आप इसमें कोई हार्ड बढ़ाना चाहें तो इसमें सिर्फ SSD ही बढ़ सकती है, इसमें नॉर्मल हार्ड नहीं लग सकती। तो गाइस, इस लैपटॉप की खास बात जो है वो तो एक इसका प्रोसेसर i5 फिफ्थ जनरेशन, उसके बाद इसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी है। ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी आ जाता है। उसके बाद इसकी जो कीपैड की बनावट है वो काफ़ी अच्छी है, और इसका पावर बटन ये लास्ट पे है। और इसमें गाइस, इस साइड पे आपका आ जाएगा हीट सिंक। अगर मैं दिखा सकूं तो इसमें यहाँ पे लास्ट पे आ जाता है हीट सिंक। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा एक हेडफोन जैक, ये हेडफोन जैक। उसके बाद एक USB पोर्ट मिलती है, और उसके साथ आपको बैक साइड पे वायरलेस लैन लगाने के लिए आपको प्लेस मिल जाती है। उसके बाद एक HDMI पोर्ट वाली प्लेस, और उसके बाद एक और USB के लिए आपको प्लेस मिल जाती है, और उसके बाद एक और USB। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये काफ़ी स्लिम और स्मार्ट है, 13.3 इंच जो कि काफ़ी छोटा, जो लोग ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए कैरी करना आसान है। और उसके बाद जो इसमें ख़ास बात है, इंटेल i5 फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिलता है मार्केट में, आसानी से आपको 28 से 30 तक आपको मिल सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है, इसमें SSD ही बढ़ सकती है, नॉर्मल हार्ड नहीं लग सकती, और इसमें सीडी रोम की प्लेस भी नहीं है। मिलते हैं वीडियो के लास्ट पे। गाइस, अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर गाइस, अगर आप किसी लैपटॉप पर उसका रिव्यूज़ जानना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट प्राइस जानना चाह रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए उस लैपटॉप का रिव्यू और उसके प्राइस के मुतालिक मैं आपको आगाह कर सूँ। तो गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि चीप प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक तमाम लैपटॉप का रिव्यूज़ दूँ, लेकिन रिव्यूज़ मैं जो दूँगा यूज़ लैपटॉप के होंगे क्योंकि मार्केट में ज़्यादा यूज़ लैपटॉप सेल होते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।